दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं और जब डिलीवरी बॉय घर पे आता है प्रोडक्ट रिटर्न ले जाने के लिए, तो वो बोलता है कि आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का टैग नहीं है, इसलिए हम ये आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो दोस्तों अब आप क्या करिएगा, आपके प्रोडक्ट में जो जो था आपने तो उनको दे दिया, फिर भी वो बोल रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में टैग नहीं है और बिना प्रोडक्ट टैग के हम इसे रिटर्न नहीं लेंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट का टैग नहीं है। टैग तो आप लोग जानते ही होंगे, तो आपके प्रोडक्ट में टैग नहीं है तो आप उसे कैसे रिटर्न करेंगे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप इसे दो तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका ये है कि आपको जो है डिलीवरी बॉय को कन्विंस करना है कि मुझे मेरे प्रोडक्ट में जो भी मिला मैंने आपको दे दिया है, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आपको दे देता, लेकिन मेरे पास जो है यही है, मुझे यही मिला था। हो सके तो आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए, इस प्रोडक्ट में यही रहता है, तो आप उनको जो है कन्विंस कीजिए कि मुझे जो मिला मैंने आपको दे दिया है, मेरे प्रोडक्ट में जो जो सामान था आप उनको कन्विंस कीजिए। अगर वो अच्छे हुए तो वो प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो जो है ज़्यादातर डिलीवरी बॉय नहीं लेते हैं वो प्रोडक्ट जिनमें टैग नहीं होता है। तो आपको अगर वो कन्विंस होकर ले ले तो ठीक है, अच्छा है, और अगर नहीं ले तो आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट को ले लेना है और फिर वो चले जाएंगे और आपको जो है एक बार फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट फेस करनी है, आपको फिर से एक बार रिटर्न करना है उस प्रोडक्ट को। और इस बार जो है आपको फ्लिपकार्ट ऐप से नहीं करना है, आप जो है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में कॉल करके रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कीजिएगा। और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आप कैसे फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में कॉल करके प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे आप रिटर्न कर सकते हैं फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में कॉल कर कर। तो दोस्तों आप जो है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में कॉल कीजिएगा और उनको सारी बात बता दीजिएगा कि डिलीवरी बॉय जो है मेरा प्रोडक्ट रिटर्न नहीं ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का टैग नहीं है, लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट में जो भी चीज़ मिला था मैंने उनको दिया और वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट टैग के बिना नहीं रिटर्न होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई टैग ही नहीं मिला तो मैं कैसे दूँ। तो आप ये सब बात उनको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को बता दीजिएगा और बात ये सब बताने के बाद वो जो है आपके एक न्यू रिक्वेस्ट रेज कर देंगे रिटर्न रिक्वेस्ट। और कल जब डिलीवरी बॉय आएंगे तो आपसे बिना पूछे हुए, मतलब आपसे जो है इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पूछेंगे, वो जानते हैं इस बारे में क्योंकि उनको पता होगा जो रिक्वेस्ट हम लोग ने भेजा हुआ है। तो कल जब जो डिलीवरी बॉय आएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली ले जाएंगे, वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे प्रोडक्ट टैग के बारे में। तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट का टैग नहीं है। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। और तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।